हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हैरी ने जिनी को क्यों पसंद किया एज ए लाइफ पार्टनर, ना कि हरमाइनी को, जैसा कि हम सभी को मूवी देखते टाइम या स्टार्टिंग में बुक पढ़ते टाइम लगा था। और क्या हैरी और जिनी का साथ में होना सही था? इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले डिसाइड करें कि हम मूवी के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को देख रहे हैं या कि बुक से। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि मुझे बुक वाली जिनी बहुत पसंद थी, पर मूवी वाली जिनी बिल्कुल पसंद नहीं। वेल, इसका रिलेशन एक्ट्रेस से बिल्कुल भी नहीं जिसने जिनी का रोल प्ले किया है, क्योंकि उसे जैसा बोला गया उसने वैसा ही रोल किया। पर कैरेक्टर की बात करें अगर, तो बुक और मूवी में बहुत डिफरेंस है। मूवी में जिनी का रोल फर्स्ट और सेकंड मूवी में काफी कुछ बुक जैसा ही है। हैरी पर क्रश होना, उसके बारे में ही बातें करना, फिर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोलना, काल दृष्टि को जगाना, हैरी का उसको बचाना और सबसे बड़ी बात जिनी का बेस्ट फ्रेंड की बहन होना। हैरी की फीलिंग जिनी के लिए बुक और मूवी दोनों में दोस्त की बहन वाली ही थी। तो फिर अचानक आखिर ऐसा फिफ्थ पार्ट के बाद क्या हुआ कि हैरी को जिनी आउट ऑफ नोवेयर पसंद आने लगी, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मूवी में कहीं दिया ही नहीं गया, सिवाय इसके कि वो खूबसूरत थी। वैसे ये काफी बड़ा रीजन है किसी लड़की को पसंद करने के लिए एज अ बॉय पॉइंट ऑफ व्यू, पर इसका भी एक्सप्लेनेशन मूवी में नहीं है कि हैरी को जिनी उसकी खूबसूरती के लिए पसंद थी या नहीं। जैसे हैरी ने चो के लिए या हरमाइनी के लिए कहा था कि वो खूबसूरत है, शायद यही पार्ट मुझे मूवी की सबसे ज्यादा बुरी लगी। क्योंकि मुझे और मेरे कई पॉटरहेड फ्रेंड्स को और आप में से भी कई लोग जिन्होंने बुक पढ़ी है या सुनी है, वो इस बात पर अग्री होंगे कि जिनी के कैरेक्टर के साथ मूवी में जस्टिस नहीं किया गया है। उसे सबसे फेमस लड़के का लव इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए बताया गया है विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि क्यों उसे वो लड़की पसंद आई। और इन सब सिचुएशन में तो शायद हैरी के लिए हरमाइनी ही परफेक्ट रहती, जैसा कि जेके रोलिंग खुद भी पहले डिसाइड कर रही थी। पर अगर हम बुक में जिनी के कैरेक्टर बिल्ड को देखें तो सब समझ में आ जाता है कि आखिर वही हैरी के लिए सही क्यों थी। और इसमें बहुत ज्यादा रोल चो चैंग यानी कि हैरी की पहली गर्लफ्रेंड का भी है। चो से मिलने से पहले हैरी को जिनी के लिए बस एक दोस्त की बहन वाली फीलिंग थी, यानी कि ऑलमोस्ट एक भाई जैसी फीलिंग, जैसे कि उसको लेकर प्रोटेक्टिव होना। और जिनी को हैरी पर बचपन से ही क्रश था, यहाँ तक कि रॉन ने खुद कहा था कि वो सिर्फ उसी की बात करना चाहती थी। और जिनी और कॉलिन क्रीवी तो मिलकर हैरी पॉटर फैन क्लब खोल सकते थे, पर इस क्रश और शर्म के चलते जिनी हैरी के साथ अक्सर मूर्खतापूर्ण काम कर देती थी, या घबरा जाती थी, या शर्मा जाती थी, जो अक्सर किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ क्रश के सामने होने पर हो ही जाता है। हैरी के साथ खुद भी ऐसा हुआ था चो को लेकर। इस पर हरमाइनी ने ही जिनी को समझाया था कि वो जैसी है वैसी रहे, हैरी को लेकर कॉन्शियस ना हो। फिर जिनी को जब लगा कि हैरी अब चो के साथ है, तो फिर उसने अपने तरीके से रहना शुरू कर दिया और हैरी के साथ दोस्त जैसे रहने लगी। हैरी ने चो को गर्लफ्रेंड बनाया क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, वो रेवनक्लॉ की क्विडिच टीम की खोजी भी थी, यानी कि वो इंटेलिजेंट और स्पोर्ट्स पर्सन भी थी। जब हैरी थर्ड ईयर में था और चो फोर्थ ईयर में थी, तब हैरी ने उसके खिलाफ क्विडिच में खेला था, और इतना काफी होता है एक 13-14 साल के लड़के के लिए किसी को पसंद करना। फोर्थ पार्ट में हैरी चो के साथ डांस में जाना चाहता था, पर तब तक उसे पता चलता है कि चो तो दरअसल सेड्रिक डिगरी की गर्लफ्रेंड है, और पूरे डांस की शाम वो बस चो को ही देखने में रह जाता है, जिस कारण उसे अपनी डांस पार्टनर पार्वती पाटिल के साथ डांस भी नहीं किया। पर उसी साल के अंत में सेड्रिक मर जाता है, और फिफ्थ पार्ट में हैरी के पास मौका होता है कि वो चो को गर्लफ्रेंड बना ले। चो भी हैरी को पसंद करती थी और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। पर यहाँ मूवी में ज्यादा नहीं दिखाया गया, पर बुक में बताया है कि वो जब जब मिले थे तब तक चो रोती रहती थी, या फिर सेड्रिक की बात करना चाहती थी, या दूसरे कपल की, या हैरी और हरमाइनी के रिलेशन को लेकर इनसिक्योर रहती थी। और जब वो फाइनली मैडम पैडीफुट के कैफे में वैलेंटाइन डे के दिन जाते हैं, वहाँ चो और हैरी का ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो जाता है इन्हीं सब कारणों से। पर वो फिर भी डीए की मीटिंग में आती थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरिटा एच कॉम अमरीज को बता देती है मीटिंग की जगह, और इस कारण हैरी और चो का ब्रेकअप हो जाता है। इस टाइम हैरी को रियलाइज होता है कि उसे हमेशा रोने वाली और दूसरों से जलने और इनसिक्योर रहने वाली लड़की पसंद नहीं आ सकती। सिक्स्थ पार्ट में मूवी में स्टार्टिंग में ही दिखा देते हैं कि जिनी के लिए हैरी के मन में फीलिंग है, पर बुक में ऐसा नहीं होता। जब हैरी रॉन के घर जाता है, सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल रहता है। जिनी 3-4 बॉयफ्रेंड तब तक बदल चुकी रहती है, और उसका कैरेक्टर बहुत ही कूल दिखाया गया है। कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, काइंड, मंत्रों में माहिर, और सबसे बड़ी बात फालतू का रोना धोना नहीं। हालांकि इस बात पर फ्रेड और जॉर्ज जिनी को सुनाते भी हैं कि वो 5 लड़कों के
के साथ एक साथ घूम रही है। और रॉन ये भी कहता है कि जिनी इस कारण बहुत ही चालू लड़की लगती है, पर जिनी इस बात को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है और इसका जवाब देती है। शायद 6 बड़े भाई के बाद एक लड़की होने के कारण वो बहुत स्ट्रांग होती है। जिनी बहुत अच्छी क्विडिच खिलाड़ी थी और वो भी ग्रिफिनडोर की टीम में धावक बन जाती है, और जब जब हैरी नहीं खेल पाता तब तक वो खोजी के तौर पर भी खेलती थी। और फिर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में ही हैरी ने सुना था कि जिनी इतनी खूबसूरत थी कि स्लिदरिन हाउस के लड़के तक उसकी खूबसूरती की बात करते थे। जब जिनी और डीन डेट कर रहे होते हैं और हैरी डीन को टीम में ले लेता है, तब हैरी पहली बार जिनी और डीन को किस करते देखता है, और इसी बात पर रॉन और जिनी की लड़ाई भी हो जाती है। और तब हैरी को रियलाइज होता है कि उसको जिनी के लिए क्या फीलिंग है और किस करने के कारण वो डीन को फाड़ देना चाहता था। और उसे एहसास हो जाता है कि उसकी ये फीलिंग जिनी के लिए बड़े भाई वाली नहीं, कुछ और ही है। और वो चाहता था कि डीन और जिनी ब्रेकअप कर ले, और जिस दिन वो खुशकिस्मती काढ़ा पीता है उसी दिन डीन और जिनी का ब्रेकअप हो जाता है। और किसी और के पूछने से पहले हैरी प्लान बनाने लगता है कि वो उससे पूछेगा। और फिर क्विडिच का मैच होता है जिसमें हैरी नहीं खेल पाता, पर जिनी की बदौलत वो लोग हाउस कप जीत जाते हैं और हैरी गरुद्वार के सभी लोगों के सामने उसे किस कर लेता है। पर्सनली ये पार्ट मुझे बुक का बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, और मेरे लिए ज्यादा बुरा ये इसलिए था क्योंकि मैंने पहले ही बुक पढ़ी थी और फिर मूवी देखी थी। मैं काफी एक्साइटेड थी ये पार्ट देखने के लिए मूवी में, पर मूवी में इस पूरे रिलेशन को ही बर्बाद कर दिया गया। खैर, उसके बाद वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, और जब हैरी उस साल के अंत में कहता है कि वो रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसे डंबलडोर का दिया काम पूरा करना है, तो जिनी तब भी नहीं रोती है और इस बात को ये कहकर एक्सेप्ट कर लेती कि वो हमेशा से जानती थी कि ये टाइम आएगा। बल्कि मूवी में कुछ ऐसे सीन फालतू के डाल दिए हैं, जैसे हरमाइनी के कहना कि लगता है जिनी रोकर आ रही है, वो आजकल हमेशा रोती रहती है, बल्कि बुक में दिया है जिनी कभी नहीं रोती थी। तो हैरी को जिनी का पसंद करना बुक में पूरी तरह समझ आता है कि वो एक इंडिपेंडेंट, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, शार्प, काइंड, सब कुछ थी। उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बताया है बुक में, पर मूवी में उसे एक साइड कैरेक्टर के वे में दिखाया गया है, जिसमें हैरी को आखिर इंटरेस्ट क्यों आया उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं। एक सवाल मन में और आता है कि हरमाइनी और हैरी का रिलेशन क्यों नहीं हुआ, हरमाइनी ने रॉन को क्यों चुना। वेल, हैरी का हरमाइनी के लिए नजरिया हमेशा एक अच्छी दोस्त वाला रहा है। हरमाइनी थोड़ी बॉसी भी थी, बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, पर दोनों की ही तरफ से दोस्त वाली फीलिंग होती थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बल्कि रॉन की फीलिंग हरमाइनी के लिए फोर्थ पार्ट में ही क्लियर हो जाती है, जब वो विक्टर क्रम के साथ डांस में चली जाती है। रॉन विक्टर क्रम का फैन हुआ करता था और उसने अपने सारे पैसे लगाकर क्रम का एक मॉडल खरीदा था, पर जब उसने उसे हरमाइनी के साथ देखा तो उसने उस मॉडल को भी तोड़ डाला था। इससे पता चलता है कि रॉन की फीलिंग हरमाइनी के लिए क्या थी, पर हरमाइनी के लिए हम सेम नहीं कह सकते। हरमाइनी सिक्स्थ पार्ट में जब रॉन को लेवेंडर के साथ देखती है तब उसे एहसास होता है वही सेम जो रॉन को हरमाइनी के लिए विक्टर क्रम के साथ हुआ था। उनकी फीलिंग काफी म्यूचुअल थी। और फिर जैसा जेके रोलिंग खुद कहती है कि हरमाइनी और हैरी का रिलेशन बहुत ही ऑब्वियस होता, फिर कहानी काफी कुछ वैसी ही होती कि हैरी हीरो है, हरमाइनी हीरोइन, बेचारा रॉन एक साइड किक जिसकी कोई वैल्यू नहीं। एक और बहुत जो कि लॉजिकल रीजन है कि ये जिस जमाने की कहानी है उस समय हीरो का हीरोइन को पसंद करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, और वो है उसका खूबसूरत होना। जिनी को बहुत खूबसूरत बताया गया है, बल्कि ये बात हम हरमाइनी के लिए नहीं कह सकते। हरमाइनी का कहीं भी जिक्र इस तरह से नहीं आया है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, बल्कि कई बार ये भी आया है कि उसके आगे के दांत बड़े थे, उसके बाल रूखे और बिखरे रहते थे, वो हमेशा ऐसी ही घूमती रहती थी, पढ़ाई में डूबी रहती थी। हाँ, फोर्थ ईयर में यूलबॉल के टाइम पे वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, पर उसके बाद फिर से वो वैसी ही दिखने लगी। तो हैरी एक हीरो का इंटरेस्ट, एक कोई साधारण लड़की जो सिर्फ इंटेलिजेंट है, इस बात पर आ जाना उस जमाने के लिए ये कोई कॉमन बात नहीं थी। बल्कि जिनी को खूबसूरत, इंटेलिजेंट, स्पोर्ट्स प्लेयर, दूसरे शब्दों में उसको पूरा परफेक्ट बताया गया है, तो इसलिए वो हैरी का लव इंटरेस्ट थी। तो ये पॉइंट भी काफी लॉजिकल है। तो ये था वीडियो कि हैरी ने जिनी को क्यों चुना। आपका क्या सोचना इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।